अंत में गजमेर महाजनी ने जब से इमली से टीवी पर एंट्री ली है तभी से वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इस शो के बाद से उनके जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी बन चुके हैं। शो की लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि ये शो टीआरपी की टॉप 5 लिस्ट में लगातार बना हुआ है। वहीं कुछ वक्त पहले ये खबरें भी सामने आई कि गजमेर इस शो को छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, गजमेर को लेकर इन खबरों में सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। लोग इसलिए भी हैरान थे क्योंकि इमली टीवी का टॉप शो है। ऐसे में अचानक से गजमेर के शो को छोड़ने की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो अब टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में गजमेर ने बताया है कि वो इस शो को नहीं छोड़ रहे हैं और मेकर से भी उनकी कोई अनबन नहीं हुई है। जी हाँ, गजमेर ने बताया शो ने उन्हें अलग पहचान और दृश्यता दी है जिसे वो बहुत महत्व देते हैं। ऐसे में भला कोई कैसे शो को छोड़ सकता है। उनका मानना है कि हम शो को एंजॉय कर रहे हैं। गजमेर को लगता है कि मीठी मीठी बातें करके आप ऑडियंस का दिल नहीं जीत सकते, बल्कि ये आपके काम करने के तरीके से होता है। गजमेर ने आगे बताया कि एक बार जब आप अपना काम सही तरीके से करते हैं तो उस एक परफेक्ट शॉट के साथ क्रू कनेक्ट होता है। वही मेकर से अनबन की खबरों को गलत बताते हुए गजमेर आगे कहते हैं, शो छोड़ने, क्रिएटिव डिफरेंस होने या रियल लाइफ में हो रही ऐसी अफवाहों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी अफवाहें तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। गजमेर ने बताया कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो कोई भी इन अफवाहों की परवाह नहीं करता और यही मायने रखता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी फर्जी खबरें सुनता हूं, लेकिन उनका पूरा ध्यान उनके काम से इर्द गिर्द नहीं रहता। जाहिर तौर पर गजमेर की ये बात उनके फैंस को काफी तसल्ली दे रही होंगी कि इमली को छोड़कर आदित्य कहीं नहीं जा रहा और उनको ये जबरदस्त जोड़ी शो में बराबर बरकरार देखने को मिलती रहेगी।